नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल व्हीकल टीवी पे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे जो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियोज उन पे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, जिसमें वो बोल रहे थे कि सर, जब हम अपने लाइसेंस के एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर रहे हैं तो उसमें आ रहा है डिस्पैच थ्रू पोस्टल सर्विस, डिस्पैच मोड डिस्पैच थ्रू पोस्टल सर्विस, तो अब हमको आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में आप बता दीजिए। तो दोस्तों, इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदे इसका यह होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा परिवहन, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिएगा। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा कौन से स्टेट से आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस, करंट स्टेटस देखने के लिए एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे लाइसेंस नंबर दिख जाएगा आपको। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आइएगा, नीचे की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स है, डिस्पैच नंबर डिस्पैच डेट दिख जाएगी, डिस्पैच मोड आपको दिख जाएगा डिस्पैच थ्रू पोस्टल सर्विस, और यहाँ पे आपको दिखेगा स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर। तो ये जो नंबर है इसको आप कहीं पे लिख लीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे आप डालिएगा आर्टिकल ट्रैकिंग, आर्टिकल ट्रैकिंग जैसे ही आप डालते हो सबसे ऊपर आपको दिखेगा ट्रैक कंसाइनमेंट इंडिया पोस्ट, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ऑफिशियल साइट ओपन होके आ जाएगी। अभी यहाँ पे आप कंसाइनमेंट नंबर डाल दीजिएगा, वही नंबर आप डाल दीजिएगा जो आपने यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है, ये नंबर आपको वहाँ पे डालना होगा। उसके बाद ये जो कैलकुलेट एक्सप्रेशन है, इवेलुएट द एक्सप्रेशन, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। तो 4 - 1 3 हो गया, और उसके बाद सर्च पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ आ गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है डिटेल्स नोट फाउंड, कंसाइनमेंट डिटेल्स नोट फाउंड इस तरीके से, तो आप 1 या 2 दिन बाद चेक करके देखिएगा। अगर फिर भी यही आ रहा है तो आप 1 वीक वेट कर लीजिएगा, 1 वीक तक आप देखते रहिएगा। तो अगर 1 वीक तक डिटेल्स नोट फाउंड दिखा रहा है इसका कंसाइनमेंट नंबर का, तो एक बार आप अपने जो आरटीओ है जहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए थे तो वहाँ जाके बात कीजिएगा, और डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा जो आपने वेरीफाई कराए थे ना, तो एक एक सेट और उनको लेके और सेट एक सेट और लेके जाइएगा, और वहाँ पे बात कीजिएगा इसके रिगार्डिंग, तो वहाँ से आपको इसका सोल्यूशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने उसकी हम बात करें तो यहाँ पे जो ये आइटम बुक हुआ था 24 नवंबर में, आइटम बुक हुआ था लखनऊ से, और उसके बाद यहाँ पे 24, 25, 26, तो 3 दिन में ही ये डिलीवर हो गया था। तो आउट फॉर डिलीवरी आइटम रिसीव्ड, आउट फॉर डिलीवरी आइटम डिलीवरी कंफर्म्ड, तो लाइसेंस एड्रेस पे आ गया है 26 नवंबर 2021 में, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एड्रेस पे आ गया है, आइटम डिलीवरी कंफर्म्ड। तो यहाँ पे आप देखते रहिएगा, जैसे ही यहाँ पे बुक दिखा दे ना ये, तो एक बार जो आपका पोस्ट ऑफिस है, स्पीड पोस्ट, जो स्पीड पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस है जो आपके एरिया का, तो उसमें आप उनको भी इन्फॉर्म करा दीजिएगा कि सर इस नाम का और इस एड्रेस के लिए वो आएगा ड्राइविंग लाइसेंस। फिर बोलिएगा कि पोस्ट आएगी या डाक आएगी, तो इसको आप यहाँ पे एड्रेस पे आप डिलीवर करा दीजिएगा। आपका लाइसेंस में जो एड्रेस है वो एकदम प्रॉपर है, तो अगर आप अपने पोस्ट ऑफिस में इन्फॉर्म नहीं भी करोगे तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एड्रेस में कुछ मिस्टेक है तो आप जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, बोलिएगा सर इस नाम की पोस्ट आएगी तो इसको आप इस एड्रेस पे डिलीवर करा दीजिएगा।
तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रिलेटेड या लाइसेंस रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो यहाँ पे क्लिक करके, जैसे लाइसेंस रिलेटेड चाहिए तो लाइसेंस यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे आप यहाँ पे लाइसेंस डालते हैं तो चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी लाइसेंस रिलेटेड काफ़ी वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आप अगर आपको व्हीकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली व्हीकल यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल एच पी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आर सी, व्हीकल आर सी पर्टिकुलर, व्हीकल आर सी डाउनलोड करना चाहते हो, या व्हीकल रिलेटेड काफ़ी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी आप देखना चाहते हो, जो भी टर्म यहाँ पे आप डालते हो तो उससे रिलेटेड वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे चैनल पे ओनली लाइसेंस रिलेटेड और व्हीकल रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो तो राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। सोशल साइट्स पे आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके नीचे की तरफ आइएगा। सोशल साइट्स एड्रेस हमने डाल रखे हैं तो इनके थ्रू आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, या यहाँ पे राइट साइड में भी ऊपर टॉप में यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके थ्रू ये सोशल साइट बटन है, इनके थ्रू आप हमसे ज्वाइन का हमको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हो सोशल साइटों पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।